नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं हूं आपको दोस्त पूजा, स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और आपको देखकर लग रहा होगा मैं शरीर से तो ठीक हूं लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हूं। आज सारा दिन बाहर निकल गया दोनों बच्चों के साथ में, दोनों को लेके गई थी साथ में। और अभी हो रही है रात के 10:30, तो सोचा कि छोटी सी फैमिली के साथ में एक बार ज़रूर बात कर लूँ। आप लोगों से बातें करने के बाद ही थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी किसी भी वीडियो में या कभी भी कोई है नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि मेरे फैमिली ही नहीं है। तो आज के टाइम पे मैं जो है बिना फैमिली के, या फिर अनाथ भी कह सकते हैं, एक आदमी पूरे मतलब कितने लोगों को नचा के रख दिया, मेरा मिसयूज़ किया है बंदे ने, मिसयूज़ किया है, 15 साल तक इस्तेमाल किया, 15 साल तक इस्तेमाल करने के बाद में छोड़ दिया। जब तक कि मतलब पूरी तरह से निचोड़ नहीं लिया ना उस बंदे ने, मेरे पैसा मेरी मम्मी के बैंक अकाउंट तक पूरी तरह से खाली कर दिया, मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी, 2 बच्चों की ज़िंदगी यानी उनका फ्यूचर ख़राब कर दिया। और अब जाके वो कई और शादी कर लिया, आराम से रह रहा है, उसका बेटा कमाता है। जो जिस लेडी से शादी किया है उसने, उसका बेटा 26-27 साल का है, बेटी है, तो बेटी की तो शादी हो गई, तो बेटी की शादी का उसका टेंशन है नहीं। बेटा कमाता है, 26-27 साल का है, आराम से उसके उम्र का है, और यहाँ पे 15 साल तक इस्तेमाल किया उसने मेरा पति बनकर। ऐसे नहीं, उसे पता था ऐसे तो कोई भी लेडीज़ किसी भी आदमी के हाथ नहीं आएगी, तो इस वजह से उसने मुझसे शादी किया, शादी के ढोंग रचाया। और शादी के ढोंग रचाने के बाद में 15 साल तक उसने मेरा मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली पूरी तरह से इस्तेमाल किया, उसके बाद में मुझे छोड़ा गया। और आज मैं 2 बच्चों के साथ में अकेली हूँ। उसको मेरी बैकग्राउंड का पता था, उसे पता था कि मेरा कोई भी नहीं है, ना तो मेरा भाई है, ना मेरा कोई फैमिली है। मेरी माँ है जो मतलब दिमाग से थोड़ा ऐसी है, पूरी तरह से ठीक नहीं है। और अब तो मेरी माँ की उम्र हो चुकी है, वो 65-70 साल के करीब है, उनका खुद का मतलब पैदल चलना मुश्किल है, पैदल चलकर जाने में उतनी तकलीफ होती है। तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, उसको अच्छी तरह से पता है। इस वजह से उस बंदे ने मेरा बहुत ही बुरी तरीके से इस्तेमाल किया है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। और वो बंदा मुझे धमकी देता है कि ना तू केस करेगी ना, कर मुझ पर केस कर, तुझे कितना केस करने का मन में आए कर, क्योंकि उसे पता है केस करने के लिए वकील के पास जाना है और वकील के पास जाने के लिए पैसा चाहिए। एक बात बताइए, जब इंसान के पास पैसा खाने के लिए नहीं होगा तो फिर वो बंदा वकील कैसे करेगी, वकील कर ही नहीं सकती ना, वकील करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो आज ये नौबत आ गई है, बंदा इतना इस्तेमाल करने के बावजूद भी उसका मन नहीं भरा, मन नहीं भरा। अरे कम से कम मुझ पर नहीं, बच्चों पर तो तरस खाता ना, लेकिन वही बात है ना, जो इंसान इतने सालों के बाद एक लड़की का इस्तेमाल कर सकता है तो वो बंदा बच्चों के बारे में क्या ही सोचेगा। उसने तो कभी बच्चे के लिए बोला ही नहीं है ना, दुनिया को ये कहते बोलता है, दुनिया से कहता है कि ना बच्चे पैदा करने के लिए उसको किसने कहा था, मैंने तो कहा ही नहीं था उसको बच्चे पैदा करने के लिए, जब संभाला नहीं जाता तो फिर बच्चे पैदा क्यों किया। ये सब बातें जो इंसान किसी दूसरे बंदे को यानी पड़ोसी को या फिर जो लोग मिलने वाले उसका दोस्त वगैरह होता है उनको कहते हैं, तो फिर वो बंदा कभी बच्चे का भलाई करेंगे क्या। और आज छोड़ के गए कितने दिन हो गए, एक फूटी कोरी तक नहीं दिया बंदे ने, तो वो कभी भलाई करेगा। उसने मेरी पैसों पर पलकर मेरा ही मिसयूज़ करके और चला गया, ऊपर से कर्जा इतना ज़्यादा उठा के लेके गए, इतना ज़्यादा कर्जा उठा के लेके गए ना, कि जहाँ मैं खुद खाने पीने में सक्षम नहीं हूँ, मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी तरह के कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ऊपर से कर्जा कर्जा मेरी महीने की 5,000 रुपये जा रहा है, फ्रिज का किस्त जा रही है, तो ये सब वो कर्जा उठा के मेरे नाम से उठाया। इतना दिमाग लगाया, अगर मुझे उस टाइम पता होता कि ये ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करती नहीं। बंदे मेरे नाम से मेरे आधार कार्ड, मेरे बैंक का जो चेकबुक है वो, यानी जो भी मेरा डॉक्यूमेंट है वो सब कुछ लगा के, और मेरा नाम से मतलब मेरे नाम से उस बंदे ने लोन दिलवाया मुझे। ये जो घर का सामान दिख रहा है ना, ये फ्रिज जो थोड़ा मतलब मैंने अच्छी क्वालिटी का इसलिए लिया था, यहाँ पे सब्जी वगैरह नहीं मिलता है। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो वगैरह देखते होंगे कोई भी, तो उनको पता होगा कि मेरी यहाँ पे सब्जी नहीं मिलती है, यहाँ पे स्टोर करना पड़ता है।
तो मैं महीने भर या 15 दिन की सब्जी लेके आती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर इस टाइम मेरे पास फ्रिज नहीं होता ना तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती, क्योंकि यहाँ पे सब्जी मिलती नहीं है और मैं अकेले 2 बच्चों को लेकर रोज़ रोज़ कहाँ जाती सब्जी लेने। और गर्मियों के दिनों में एक बार सब्जी लाओ ना तो वो टमाटर वगैरह सड़ जाता है, जल्दी ख़राब हो जाती है। लेकिन क्या करें, महीने की 5,000 रुपये जा रहा है और वो इंसान मेरे नाम पर इस तरह से लेके गया लोन। अब लोन वाला घर पर आता है पैसे लेने के लिए, मैं पैसा दे नहीं पाती हूँ, कहाँ से दूँ पैसा, लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे करके दे रही हूँ। उस बंदे को इतना सा भी दया नहीं है, आज वो धमकी दे रहा है मुझे कि ना केस कर ले तू, क्योंकि उसे पता है केस करने के लिए इसके पास पैसा है नहीं, वकील कहाँ से करेगी, वकील के लिए इसके पास पैसा है नहीं, इस वजह से वो धमकी दे रहा है। अगर मेरे बच्चों को भी कोई संभालने वाला होता ना, एक बच्चे को, एक तो स्कूल चला जाता है 1 बजे आता है, लेकिन दूसरे वाले को रखने वाला होता ना तो भी मैं हाथ पैर मार के कुछ ना कुछ कर लेती, लेकिन मेरे तो वो इंसान दोनों हाथ पैर काट के चला गया। और आप धमकी दे रहे हैं कि तू केस कर ले, उसे पता है सारी कंडीशन, इसीलिए बोल रहा है। एक्चुअली आज गई थी थाने, तो थाने जाने के बाद में वहाँ पर एप्लीकेशन देना पड़ा, एप्लीकेशन दी, मैडम ने बोला था एक एप्लीकेशन लिखने के लिए, तो दिया। देने के बाद में मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो जो एप्लीकेशन है मेरी इच्छा नहीं थी देने की, लेकिन मुझे देना पड़ा। और मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि उसके आगे क्या नतीजा निकलेगा, बाद में क्या नतीजा, या फिर मतलब क्या मतलब है। तो उस टाइम मुझे वकील का कमी महसूस हुई, तो फिर मैं यहाँ से गई फ्री लीगल एड जो होती है वहाँ पे जाके आज फॉर्म भरी। तो एक्चुअली मैं जब थाने से निकली थी ना सीधा अपराजिता सेंटर गई थी, तो अपराजिता सेंटर जाने के बाद में मैंने बोला कि मैम कि यहाँ पे देखिए मुझे मतलब वकील की सख्त आवश्यकता है, क्यों मेरे पास वकील नहीं है और मैं मेंटेनेंस का केस जो है फाइल करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपने फॉर्म भरा है, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, गवर्नमेंट काम है या जो भी है टाइम लगता ही है, और सच में टाइम लगता है, मेरे जैसे ना जाने कितने फाइल पड़े होंगे। तो फाइनली उन्होंने फिर, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैम मुझे जल्दी आवश्यकता है, तो उन्होंने फिर बोला कि आप ARD जाइए। तो वहाँ पर गई मैं, वहाँ पर यानी फ्री लीगल एड जो होती है वहाँ पर गई फ्री लीगल एड में, वहाँ पर उन्होंने फिर फॉर्म मतलब भरवाया। तो वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का फॉर्म अपराजिता सेंटर की तरफ से भरवाए थे, लेकिन मैंने कहा कि मेरी कंडीशन ऐसी है, मैं 125 का मतलब वो भरना चाहती हूँ, तो फिर उन्होंने वो फॉर्म भी भरवाया। अभी आज देख के आई हूँ, उन्होंने बोला शाम तक कॉल आ जाएगा, लेकिन शाम तक कॉल तो नहीं आया मेरे पास में, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों देखिए, आज एक इंसान के पास पैसा नहीं होने की ये मतलब नतीजा है, जो मेरा हक बनता है यानी मेंटेनेंस का केस, मेंटेनेंस का, और जो मेरे आदमी ने मेरे साथ किया है डोमेस्टिक वायलेंस, उसका पैसे नहीं होने की वजह से मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। और जो फ्री का काम होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, काम होगा धीरे धीरे होगा, ऐसा भी हो सकता है कि मैं फ्री के चक्कर में मतलब इतना इंतज़ार नहीं कर पाऊँ कि मुझे पैसे से वकील करना ही पड़े, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। कहे ऐसा ना हो कि मैं इतना ज़्यादा लेट हो जाऊं कि वो टाइम निकल जाए। मेरी मजबूरी ऐसी है कि मैं बच्चों के लिए खाना खर्चा लाऊं या फिर मैं वकील को दूं। और मेरी बड़े बेटे का जो तबीयत है वो हमेशा ही ख़राब रहती है, लगभग ख़राब रहती है, वो 24 घंटे में एक बार ऐसी उसकी हालत हो जाती है, मतलब कुछ भी कितना ही उसको सही रख लो, जुकाम खांसी तो उसके एनी टाइम लगाए रहता है। तो वहाँ से आने के बाद में जैसे एड फ्री लीगल एड में फॉर्म वगैरह भरी, उसके बाद में घर आए, घर आने के बाद में मैं थोड़ी सी सो गई थी, बच्चे भी सो गए थे, तो बच्चे अभी तक उठे नहीं, रात के 10:30 बज रही है और मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद में सारे बर्तन वगैरह वैसे रखी हुई है और टंकी में पानी ख़त्म हो गई है, यहाँ पर लोग टंकी में पानी तक नहीं छोड़ते, तो टंकी में पानी ख़त्म हो गई है, कुछ भी नहीं बनाई है अभी तक, बस बच्चों के लिए उठ के एक कढ़ाई मांझी हूँ, एक कढ़ाई मांझ के बच्चों के लिए सूजी बना दी और अब उनको खिलाऊंगी, सो रहा है वो लोग, उठाऊंगी जगा के फिर खाना खिलाऊंगी, फिर दोबारा से सुलाऊंगी। तो दोस्तों एक सिंगल मॉम बनना इतना भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होती है, और ख़ास करके तब मुश्किल होती है जब उसके पास इनकम का कोई साधन ना हो,
तो हर लेडीज के पास होना चाहिए। पति पर तो इतना ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, लेकिन कहते ना जब ठोकर लगती है तब पता लगता है। आज मैं इतने सालों तक उस आदमी पर सारा पैसा लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया, अगर मुझे एक बार भी अगर भनक लगता तो शायद मैं ऐसा नहीं करती। लेकिन मुझे लूटने की मंशा से वो इंसान आया था और मेरा इस कदर मिसयूज़ किया है ना, जहाँ मैं आज खड़ी तक नहीं हो पा रही हूँ, मेरी खुद के हक के लिए मैं नहीं लड़ पा रही हूँ, ऐसी हालत हो गई है मेरी। दो बच्चे लेके आप कहाँ तक जाओगे, इस धूप के अंदर कहाँ तक जाओगे? उस बच्चों का खाना पानी सब कुछ होता है लेटरिन पीस, सब बच्चों की ज़िंदगी हराम हो गई है, जीना हराम हो गई है। कभी किसी आदमी पर और इस जन्म में नहीं भरोसा कर पाऊँगी, ये जो जन्म है ना, इस जन्म में भरोसा कभी नहीं कर पाऊँगी। उस बंदे ने मेरा इतने बुरी तरह से निचोड़ दिया है ना नींबू, जहाँ इतनी करवाट निकली है ना, लेकिन वो फिर भी मेरे को निचोड़ निचोड़ के पूरा बर्बाद करके उसके बाद में छोड़ दिया। और अब वो किसी दूसरे बंदे के साथ में बढ़िया खुश रह रहा है, और आप लोग देख सकते हैं मेरी हालत कैसी हुई है, जहाँ मेरे घर का राशन तक नहीं है। कोई अगर बंदा देखे ना तो घर का राशन तक नहीं है, मेरे बच्चे के एक टाइम खाना खर्चा नहीं है, मैं वकील कहाँ से करूँ? अब देखते हैं फ्री लीगल एड में फॉर्म भरा है, कब तक वहाँ से क्या आता है। ऊपर वाले मालिक है मेरा, तो ऊपर वाले देखते हैं कब तक क्या करता है। तो दोस्तों अभी आपसे विदा लेती हूँ, बच्चों को खाना वगैरह खिलाऊँगी, और मेरे दिल में कोई भी बातें होगी ना, कोई भी बातें मेरे लाइफ में दिल में, मैं अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करूँगी, यानी मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ में, क्योंकि मेरे दिल की बात सुनने के लिए भी कोई नहीं है आप लोगों के अलावा। तो मेरे साथ जो भी होता है ना, मैं ये सारे दिल की बातें आप लोगों से शेयर करके थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। मैं जानती हूँ मेरा क्या स्थिति है, और एक औरत जरूर समझ पाएगी कि दो बच्चों के साथ में बिना पैसों की बिना मकान की किस तरह रहते कोई इंसान। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर किस नए वीडियो के साथ में। हो सके तो मुझे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलती हूँ फिर किस नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते।